नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय। चाहे किसानों के खातों में सीधे राहत राशि पहुंचाने का काम हो, या फिर स्ट्रीट वेंडरों के खातों में ऋण पहुंचाने का काम, या फिर हो युवाओं को रोजगार देने की बात, आप आगे बढ़ते चलो, पीछे मामा है ना साथ। जी हाँ, मध्य प्रदेश के भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर अनेक घोषणाएं की और ये वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, आपको सुनवाते हैं। आज मध्य प्रदेश के लगभग 30 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि राहत की, जो सोयाबीन की फसलों को नुकसान हुआ था, पहले भी हम डाल चुके थे 1550 करोड़ की, एक बार 1530 करोड़, एक बार 1550 करोड़, कुल मिला के 3080 करोड़ रुपया राहत की राशि फसलों के नुकसान की किसानों के खाते में हमने डाली। फिर जो 4000 रुपया मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत देते हैं, उसकी 340 करोड़ रुपया आज किसानों के खाते में डाले हैं। 60,000 स्ट्रीट वेंडर है, ग्रामीण पथ विक्रेता, जिनको 10-10,000 रुपये का बिना ब्याज का काम धंधा चलाने के लिए ऋण उनके खाते में डाला गया है, जिससे उनका काम धंधा चलेगा। तो किसान, ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेता, उसके साथ साथ कन्या शिक्षा परिसरों का लोकार्पण, स्कूल भवनों का लोकार्पण, ये सारे काम आज संपन्न हुए हैं। यही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, जहाँ किसानों को फसलों के नुकसान का पैसा मिलता है, आजीविका चलाने के लिए अनेकों उपकरण, अनेकों उपाय किए जा रहे हैं। एक और प्रसन्नता की खबर है कि हमारे जो पुलिस के निरीक्षक थे, PI, 454 के लगभग पद रिक्त है, तो DSP के पद पर हमारे निरीक्षकों की पदोन्नति करने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से पदोन्नति का काम हुआ नहीं था, वो फैसला कर लिया है, आदेश जारी हो रहे हैं। अब TI DSP होंगे और DSP के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। रोजगार देने के लिए हमारा MSME मंत्रालय लगभग 1800 इंडस्ट्री का 8 तारीख को हम लोग उद्घाटन करने वाले हैं। 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा और लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नए 12 क्लस्टर भी अभी केंद्र सरकार ने हमारे स्वीकृत किए हैं। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, यहाँ चाहे MSME हो, स्ट्रीट वेंडर हो, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, किसान हो, गरीब हो, और विकास के काम हो, चारों दिशाओं में काम हो रहा है और मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर जनता की अनदेखी और गरीबों का हक मारने का आरोप लगाया और कहा कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के समय प्रदेश को संभाला और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए दिन रात काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के चौथी बार जो कार्यकाल उन्होंने शुरू किया उसका आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश की सरकार को
बहुत बहुत हृदय से शुभकामना देना चाहता हूं और उनको बहुत हृदय से उनका अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जब चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब हम सब लोगों को ध्यान में होगा किस प्रकार से कोरोना का महामारी का संकट इस मध्य प्रदेश के अंदर आया था और उसी संकट में उन्होंने सरकार को संभाला और संभालने के बाद दिन रात एक करते हुए इतनी अथक मेहनत अथक परिश्रम के साथ इस मध्य प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संकट में जिस प्रकार से संभाला है और आज हम कह सकते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर चाहे कोरोना का महामारी का संकट हो या और भी जो हमारी समस्याएं आई, उन सारी समस्याओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस मेहनत के साथ मध्य प्रदेश को उभारा और मध्य प्रदेश जो 15 महीनों के अंदर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जो कमलनाथ के नेतृत्व की सरकार थी, इसने मध्य प्रदेश को डुबोने का काम और गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर उन गरीबों के हक और अधिकार को छीना था, आज मैं गर्व से कहता हूं कि एक वर्ष के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने, उनके अथक प्रयास और नेतृत्व के कारण आज उन गरीबों का हक और अधिकार मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील नेतृत्व ने इस मध्य प्रदेश के गरीबों को और मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता को देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उनके संवेदनशील व्यक्तित्व के कारण चाहे किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, हर प्रकार के समाज वर्ग के लिए जिसकी अपेक्षा मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में की थी, आज हमें गर्व है कि उनकी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ किया है, वो वास्तव में ही मध्य प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण एक नेतृत्व के नाते से वो बने हैं। एक बात और मैं आज इस अवसर पर मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, मैं बुंदेलखंड का सांसद हूं, बुंदेलखंड पानी के लिए, बुंदेलखंड जिस प्रकार से सूखे के लिए पहचाना जाता है और कई प्रकार के लोग केवल राजनीति करते रहे बुंदेलखंड के नाम पर, लेकिन आज मुझे गर्व है माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता और संवेदनशीलता के कारण बुंदेलखंड की जनता को अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने इतनी बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके जो कैन बेतवा लिंक परियोजना, जो मध्य प्रदेश का हमारा बुंदेलखंड सूखा होता था, अब वो बुंदेलखंड हरा भरा बुंदेलखंड होगा और बुंदेलखंड के अंदर एक समृद्ध बुंदेलखंड बनेगा, ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था। आज बुंदेलखंड की जनता को 1 साल पूरा होने पर एक बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, इसके लिए भी वहाँ का स्थानीय सांसद होने के नाते से भी मैं उनको पुनः एक बार बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और एक वर्ष के अंदर जो उन्होंने किया है मध्य प्रदेश की गरीब जनता के लिए, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए, जो 24 घंटे खड़े होकर के उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए मैं पुनः एक बार उनको बधाई और शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपडेट रह सकते हैं।